देखिए, दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार और नगर निगम हाथ पाथ धरे बैठे हैं। विधायक, मंत्री, पार्षद सब गायब हैं। लोग परेशान हैं। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और दिल्ली फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं। बाकी जल बोर्ड गायब है, नगर निगम गायब है, दिल्ली सरकार गायब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी जमानत की तो चिंता है, लेकिन दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। जिस जनता ने भर भर के वोट दे के इनको जिताया, आज वो डूबने के लिए डूबने के उसमें खड़े हुए हैं। पहले पीने के पानी की समस्या थी और अब जल भराव की समस्या है। ये इनके मंत्री, इनकी सरकार कब काम करेंगे? जब लोगों की जानें चली जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है दिल्ली सरकार? कहाँ है इनके विधायक? पूरी की पूरी सरकार गायब है। सर, अभी तक कोई भी दिल्ली प्रशासन की तरफ से यहाँ पे अधिकारी नहीं आया। पूरी की पूरी दिल्ली में स्थिति है, जहाँ जहाँ भी आर यू भी है, हमेशा मानसून से पहले मीटिंग होती है, एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, सभी अफसरों को बुलाया जाता है, नालों की सफाई की जाती है, DSIDC के नाले, जल बोर्ड के नाले, डूसिप के नाले, और जितने भी उनकी कोई सफाई नहीं है। मुझे लगता है इसमें भारी भ्रष्टाचार है। दिल्ली सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हम ऐसे रोज कैसे ऐसे स्थितियों से सामना करेंगे। लेकिन प्रशासन ने दावा किया था, हमने तो तैयारी कर ली मीटिंग के लिए। इनके दावे हमेशा इनके फेल होते हैं, क्योंकि इनके दावों में कोई जान नहीं होती। ये आरोप आदमी पार्टी है, आरोप लगा के भाग जाती है। काम जमीन पे कैसे किया जाता है, इनको करना ही नहीं आता। जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनके मंत्री, उनकी नगर निगम। पहले कहते थे नगर निगम में हमें ले आओ, अब कहते हैं केंद्र में हमें ले आओ। अरे तुम्हें कहीं भी ले आओ, दिल्ली की जनता और देश की जनता त्रस्ती रहेगी तुम्हारे राज के अंदर।